सऊदी में काम कराने के नाम पर मुराद इंटरनेशनल ऑफिस दिल्ली असद और अशरफ नाम के एजेंट कर रहे हैं लोगों के साथ ठगी। पुलिस प्रशासन और एम्बेसी का इन लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। लड़के नौकरी के लालच में आकर अपनी कमाई हुई सारी पूंजी अपनी नौकरी के लगा देते हैं। उसके बाद उनसे एक नौकरी एग्रीमेंट दस्तक करा लिए जाते हैं और जब ये लड़के सऊदी एजेंट के बताए गए टेंडर पर पहुंचते हैं, इन लड़कों को निराशा के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। वहां जाकर लड़के भूखे प्यास से मारे मारे फिरते हैं, लेकिन फिर क्या, यहां तो एजेंट को पूरी रकम मिल जाती है। ये तो एक तरह भारतीय नागरिक को बेचने जैसा हुआ, क्योंकि एजेंट लड़के को बाहर भेजने के बाद फोन तक नहीं करते। ये बंदे अलमजदूरी के लिए आए थे, अशद भाई ने भेजे। ये बहुत परेशान है बेचारे, देखियो इनको ना तो खाने को पैसे, ये तो जिम्मेदार है अपने घर के बेचारे हमारे चाचा। ये लौंडे बेचारे बहुत परेशान है जी, कोई भी ना आवे मजदूरी में, सब वही अपने घर कर ले जो भी करना। ये रो रहे हैं लौंडे, अरे अशद भाई से तो कोई भी ना आवे, ना जाहिद सही हो कोई भैया किसी से भी, मत आओ कोई मजदूरी में।